हाँ पका, वाह भाभी बढ़िया जाल पकाया, बिल्कुल जाल भी नहीं खुली ना। बस बढ़िया पकई जाल हाँ आस्ते देखते हैं भाभी जाल पकाया वो मछली आए कि नहीं देखते हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह को 9:30। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज पकड़ेंगे हमारा तालाब का वो तेलापिया मछली पकड़ेंगे, और कुछ मछली नहीं पकड़ेंगे। सारे मछली तो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन तेलापिया सिर्फ तेलापिया पकड़ेंगे, क्योंकि घर में आज खाने वाला कोई नहीं है और बाबूजी तो थोड़ा बाहर गया है और भाभी तो नहीं खा रहा है। बस हम और मम्मी जी और दादी गेलू खाएंगे, बस इसलिए 2-4 तेलापिया मछली पकड़ेंगे। चलिए जाल लेके चलते हैं। फिलहाल चलते हैं अभी जाल पकाने के लिए। आइए दिखाते हैं आप लोगों को, मछली तो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ तेलापिया मछली पकड़ेंगे। और जितना भी बड़ा मछली आएंगे सब छोड़ देंगे, सिर्फ तेलापिया पकड़ेंगे, क्योंकि घर में खाने वाला कोई नहीं है। बाबूजी तो बाहर गए हैं और भाभी का तो अभी व्रत चल रहा है, वो मंगला का व्रत तो कल ही पूरा हुआ है, तो आज वो नहीं खाएगा। पता नहीं कौन क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं खाएगा। तो सिर्फ मैं दादी और मम्मी खाएंगे गेलू का साथ। और चलिए ये देखिए भाभी ने खाना डाल रही है मछलियों के लिए। बस अभी जालेंगे, जाल पकाएंगे। भाभी बोल रहा है कि जाल पकाएगा, देते हैं जाल पकाने के लिए, और नहीं पका पाएगा तो ठीक है मैं पकाऊंगा। पहली बार उसे देते हैं, क्योंकि सूखा सूखा जाल है ना, और शायद वो पका पाएगा, हल्का हल्का लगेगा, तो इसलिए भाभी को पहले देते हैं फिर हम पकाएंगे। रो हाँ पका पका हेडी हाँ पका, वाह भाभी बढ़िया जाल पकाया, बिल्कुल जाल भी नहीं खुली। पका जोर छाटी दूर को, बस बढ़िया पकई जाल हाँ आस्ते देखते हैं भाभी जाल पकाया वो मछली आए कि नहीं देखते हैं। ये देखिए भाभी ने बहुत सारा तेलापिया मछली का वो जो बच्चा है ना वो पकड़ लिया है। ये देखिए छोटा छोटा, इसे तो छोड़ देंगे, बड़ा बड़ा पकड़ेंगे। और देखिए भाभी आज कमाल कर दिया, देखिए फेंक दे फेंक दे फेंक दे फेंक दे मुर्जी उन्होंने सब बस ये इसे छोड़ देते हैं पानी में। ये देखिए वो ये जो कौ मछली है, ये देसी कौ है, ये देखिए तीन देसी कौ है, इसे भी छोड़ देंगे। ये देखिए ये पोंगास मछली है, इसे नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे पानी में। ये देखिए एक मछली आ गया और एक छोड़ दिए। ये देखिए तेलापिया मछली, ये देखिए पोड़ीबू, मम्मी ने धरा है इसलिए उड़ी पोतरा ऐसा एकदम जिंदा मछली है, इससे भी बड़ा बड़ा है वो, 1 किलो के आसपास भी हुए है। तो ये छोटा वाला आया, छोड़ देते हैं पानी दे। ये देखिए
गेलू गा रहा है गाना, मछली जल का रानी है, जीवन उसका नबा, जीवन उसका पानी है। रोड़े मछुआ सुना तो कल जीवन उसका पानी है। गेलू मछुआ धर रहा है, मछली जल का रानी है, जीवन उसका पानी है। क्या टपड़े दी मम्मी ने, मार टपड़े मोबाइल वाला नो क्यों भात तो बन चुकी है, बस अभी बनेगा मछली करी। आज लंच में खाएंगे तेलापिया मछली की करी। ये हमारा तालाब का तेलापिया मछली, देखिए जति जति बापा रांधी रांधी डाला बता डाल रही है, नमक साथ में हल्दी, टमाटर डालते और भी अच्छा रहता, लेकिन हमारा अभी टमाटर नहीं है क्योंकि 80 रुपया केजी चल रहा है हमारा यहाँ के मार्केट में, तो इसलिए हमने टमाटर अभी नहीं खा रहे हैं। ये रहा, इसे हम उड़िया में बोलते हैं आमगुलो, ये जो कच्चा आम को काट के और धूप में सुखाते हैं तो ये वाला चीज है, इसे भी डाल के बनाएंगे, खट्टा खट्टा करी बनेगा एकदम, जो ग्रेवी बनाएगा ना थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा, मस्त अच्छा लगेगा, तो सरसों बाटा के साथ में ये बहुत बढ़िया बनती है। बस अब डाल रही है मछली, बस 15 मिनट हो चुकी है, अभी डाल दिया मछली। ये जो मछली करी है तो इसमें सरसों बाटा और अदरक रसून का पेस्ट दे के भाभी ने बुलाया है, वो
आम का जो होता है ना कच्चा आम को काट के धूप में सुखाते हैं वो वाला उड़िया में बोलते हैं आमलो, तो आमलो को डाल के वो बनाया सादा सीधा करी है, एकदम मस्त बनती है। बस अभी अभी मछली डाल दिया और कुछ देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कितना मतलब कितना सुंदर बनी है करी, दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसमें हमने वो मिर्ची नहीं डाली क्योंकि गेलू खाएगा इसलिए मिर्ची नहीं डाली, तो ये गेलू के लिए थोड़ा खोल लेंगे मतलब कटोरी में खोल लेंगे, उसके बाद डालेंगे। ये देखिए हमारा तेलापिया मछली का करी कितना येलो येलो बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनती है। और हमने तो अभी तक टेस्ट नहीं की, तो खाने का टाइम टेस्ट करेंगे दोपहर में, दोपहर तो हो चुकी है, अभी फिलहाल 1:30 बज रहा है। बस अभी अभी खाना खाएंगे अभी, तो अभी मम्मी बना रही है मछली, उसके बाद जाके खाएंगे। ये रहा तेलापिया मछली का भजा सबके लिए एक एक पीस, और ये देसी मछली है, और ये तो हमारा तेलापिया मछली का करी। चलिए खाते हैं, आज सारा लोग मिल के खाएंगे। ये देखिए हमारा मछली खटा, ये देसी मछली खटा। ये देखिए मैं आप लोगों को बोला था ना कितना ग्रेवी, ये देखिए एकदम येलो येलो ग्रेवी मस्त बनी है करी। ये देखिए तेलापिया मछली की करी भागने मस्त बना है। फिलहाल दोपहर हो चुकी है, बस अभी करते हैं लंच। लंच में खाएंगे मछली करी साथ में राइस और मछली खटा भी खाएंगे, वो कद्दू डाल के मम्मी ने बनाया है, मस्त बनाया है, दिखाते हैं आप लोगों को, खाएंगे भी मस्त। मछली करी मछली के सर, ये गेलू का। चलिए शुरू करते हैं खाना। फिलहाल आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और अपना मामा का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।